गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रेमिडियल में आज हम स्पोकन इंग्लिश करेंगे। चेक योर प्रोग्रेस, मतलब आपने अभी तक कितना किया है उसकी हम आज एग्जामिन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट गो विद द फॉलोइंग अनकाउंटेबल नाउन। आपको इस बॉक्स में से अनकाउंटेबल नाउन को इधर फिल करना है। डैश ऑफ केचप, केचप जो चटनी सी होती है टोमेटो की, इसका क्या होगा? जार। ए डैश ऑफ राइस, बैग। ए डैश ऑफ मेनीज, मेनीज क्या होती है? अंडे, अंडे से एक चटनी बनाते हैं, अंडे और तेल से, वो क्या होती है? मेनीज। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा बॉटल। ए डैश ऑफ शुगर क्यूब्स, शुगर क्यूब्स का क्या होता है? बॉक्स। ए डैश ऑफ मिल्क, बॉटल। ए डैश ऑफ चीज, पनीर के क्या होते हैं? ब्लॉक, चकोर टुकड़े से जो होते हैं। ए डैश ऑफ सीरियल, अनाज की क्या होती? कार्ट, गाड़ी। ए डैश ऑफ चिप्स, चिप्स का क्या होता है? पैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में से आपको सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? मतलब जो फीलिंग दर्शाते हैं। रामसिंह वाज ए मैन फुल ऑफ ग्रीड, जो रामसिंह है वो लालच से भरा हुआ इंसान है। द मैन सफर्ड फ्रॉम ए डिसीज, आदमी, वो आदमी एक बीमारी से ग्रस्त है। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फेथ, उस आदमी का भगवान में बहुत विश्वास है। डैश कॉजेज मैनी पीपल टू गिव अप, अफेक्शन, स्नेह। ही वॉज फील्ड विद डैश वेन ही सॉ द लायन, जब उसने शेर को देखा तो फियर, डर से भर गया। ये वो फीलिंग है जो हमें दिखाई नहीं देती एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे वर इन डैश वैन दे लॉस्ट देयर पैट डॉग, जब उन्होंने अपने पैट डॉग को खोया तो वो बहुत दुख में थे, ग्रीफ, GRIEF। ही वॉज ओवरकम विद डैश एट द साइट ऑफ द लिटिल बेबी, छोटे बच्चे को देखकर वो अपनी असफलताओं को भूल गया, यानी कि फेलर। शी वॉज इन ग्रेट डैश वैन द थॉर्न प्रिक्ड इनटू हर टॉय, थॉर्न क्या होता है? काटा, टॉय मतलब पंजा, जब उसके पैर के पंजे में काटा घुसा तो वो दर्द से तड़प गई, पेन, वो बहुत दर्द में थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं? वो फीलिंग जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे लालच, बीमारी, डर, जो भी अभी हमने यहाँ पे फील की, असफलता, दर्द। थैंक यू।